हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। तो आप लोग अगर पहले बार मेरे चैनल पे आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोग एक साथ बहुत ज़्यादा ग्रोसरी सामान खरीद के लेके आए हैं तो उसको कैसे इजीली स्टोर कर सकते हैं और इसमें विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब सामान जो है मैंने बिग बाज़ार से ख़रीदा हुआ था और इसको मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आप लोग इसको पॉलिथीन में भर के रख सकते हैं। जूस वगैरह को तो डेली पीना रहता है तो उसको ऐसे प्लास्टिक के कवर में रख सकते हैं और बाकी सामान को हम लोग छोटा छोटा जो कार्टून रहता है, कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है, उसको यूज करके रख सकते हैं। और इस तरीके का जो डिब्बा रहता है, जो न्यू रहता है, इसका एक एक पैक पहले से हम लोग के पास अवेलेबल रहता है लेकिन इसको हम लोग फिर भी खरीद लेते हैं डिस्काउंट में। तो इस सबको ऐसे बास्केट में आप लोग रख सकते हैं और कहीं भी एक घर में रख सकते हैं ताकि जब भी आपको यूज पड़े आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है ग्रोसरी सामान जो रहता है, खाने पीने का सामान, उस सबको आप ऐसे एक बड़ा कार्टून लेके, कार्डबोर्ड बॉक्स जो रहता है उसको लेके उसमें आराम से अरेंज करके रख सकते हैं। आप लोग प्लास्टिक में भी रख सकते हैं लेकिन इससे क्या होता है, अच्छे से अरेंज करके रहता है। और बास्केट में भी रख सकते हैं लेकिन बास्केट इतना बड़ा साइज का ख़रीदना बहुत पैसा इन्वेस्ट हो जाता है उसमें। तो आप लोग ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स जो घर में पड़ा रहता है उसको यूज कर सकते हैं ऐसे रखने के लिए। जो सामान नहीं यूज करने वाला है, जो आप लोग के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको आप लोग ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में अरेंज करके रख देंगे। उसके बाद जो मसाला सबको है एक छोटा वाला कार्डबोर्ड बॉक्स में रख देंगे ताकि जब भी आप ढूंढें तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह ही सब चीज़ मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग दो तीन ठो कार्डबोर्ड बॉक्स में अच्छे तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं और ये कम स्पेस भी ले रहा है और बहुत ऑर्गेनाइज होके अरेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अदर ऑप्शन है आप लोग इस तरीके का जो घर में अवेलेबल रहता है प्लास्टिक का एयर कंटेनर या टाइट कंटेनर, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का या टाइट कंटेनर, ये दो टाइप का है, एक हाइट में ज़्यादा है और एक राउंड शेप का है। ऊपर वाले में जो है इसमें बिस्किट वगैरह को रखने के लिए यूज कर सकते हैं, नीचे जो है मैगी हो गया और भी कुछ सामान हो गया उसको रखने के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे तो जो कार्टून वाला कार्डबोर्ड बॉक्स का जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा लगता है, मैं इसी तरीके से रखती हूँ और जब भी मुझे कुछ नया चीज़ चाहिए तो निकाल लेती हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।